नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। नेशनल हाईवे टोल नाका मोतरा के पास भीषण सड़क हादसा। जबलपुर रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग में एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें की सिहोरा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी लगते ही एसडीओपी पारुल शर्मा सहित गुसलपुर थाना के स्टाफ मौके पर पहुंचा और ट्रक में फंसे लोगों को निकालकर अस्पताल भिजवाया गया। दुर्घटना में मृतक 3 लोग कटनी और एक जबलपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों ट्रकों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। एसडीओपी पारुल शर्मा ने बताया कि देर रात गुसलपुर थाना के मोहतरा टोल प्लाजा में 200 मीटर आगे जबलपुर से कटनी तरफ जा रहे ट्रक को सड़क किनारे खड़ा करके उसमें सवार 5 लोग नीचे उतरकर आपस में बात कर रहे थे। इसी दौरान जबलपुर से ही कटनी तरफ जा रहे दूसरे ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने मेडिकल कॉलेज जाते समय दम तोड़ दिया। मृतकों में 3 कटनी जिले के और 1 जबलपुर जिले के मझगवा थाना का रहने वाला है। भारत सफाई मजदूर कांग्रेस स्टेट यूनियन 72-62 विगत कई वर्षों से सरकार से मांग करती आ रही है, लेकिन सरकार ने आज तक उनकी मांगें पूरी नहीं की। आज प्रदेश अध्यक्ष मगन झांझट के नेतृत्व में बड़ी संख्या में प्रदेश के सफाई कर्मचारी भोपाल में इकट्ठे हुए और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और कहा कि अगर उनकी मांगें शीघ्र पूरी नहीं होती हैं तो मध्य प्रदेश के सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। आज हमारे प्रांत अध्यक्ष मगन जी झांझट साहब ने प्रदेश की समस्त वाल्मीकि समाज सफाई कामगारों की मांगों को लेकर संचालन में ज्ञापन दिया है। और पहले तो भाई साहब ने, आदरणीय मगन झांझट साहब ने 18 सूत्रीय मांगों के विषय में लिखा था, लेकिन अब उनमें से घटाकर मात्र 8 मांगों को रख दिया गया है। तो और उन मांगों को लेकर आज मगन झांझट जी ने नगरीय प्रशासन में एक ज्ञापन दिया है, और यदि उस ज्ञापन के आधार पर काम नहीं होता है तो 24-25 में जो हड़ताल करने जा रहे हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल होकर रहेगी। और ये मेरा भी ये सब मानना है कि प्रदेश को अब इस समय पे सुनना ही चाहिए। यदि इस वर्ग की शर्तों को नहीं सुना गया तो इसके परिणाम बहुत ही खराब होंगे। काट दो। प्रदेश अध्यक्ष जी, आज सफाई कर्मचारी द्वारा के ज्ञापन दिया जा रहा है, किन किन मांगों को लेकर? देखो, मैं मगन झांझट प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारत सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन 72-62 विगत 18 वर्षों से सभी सरकारों से सत्ताओं में या कांग्रेस हो या भाजपा में लड़ता आ रहा हूँ। अधिकतर लड़ाई मैंने शिवराज जी के सरकार में लड़ी है और 18 वर्षों से मैं अपने 18 बिंदुओं पर उनको मांग पत्र अपनी संभाग जिला तहसील इकाइयों से कलेक्टर और कमिश्नर आयुक्त और CMO के माध्यम से मांग पत्र दे रहा हूँ। और हमने एक मंच मांगा सरकार ने, हमने मंत्री जी को मंच दिया, मंत्री जी ने हमें एक महीने का समय दिया और उसी मंच पर एक कमेटी बनाई। कमेटी के बैठक हमारी प्रमुख सचिव के साथ आयुक्त महोदय नगरीय पालिका भवन संचनालय के आयुक्त महोदय के साथ हुई, उसमें भी हमें एक महीने का समय दिया गया। फिर हम निरंतर आवेदन प्रतिदिन करते करते आज हमने पुनः एक 31 तारीख को एक काम बंद हड़ताल की। हमें पुनः मंत्री जी ने शाम के बुला के सारे प्रशासन अधिकारियों को बिठा के 15 दिन का समय दिया कि आप 18 बिंदु छोड़ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर टिक कर दो जिनको हम आपको दे दें। हमने वो भी करा और हमारी हड़ताल 15 दिन का आश्वासन देके स्थगित करा दी। 15 दिन के बाद हमने फिर आके आयुक्त महोदय को फिर आवेदन प्रेरण किया, ज्ञापन दिए, चर्चाएं हुई। अब हमारे लोगों में रोष हो गया, आज चुनाव आ रहा, आचार संहिता लग जाएगी, हमारा सलाह और लोकसभा राज्यसभा विधानसभा में कोई बोलने कहने वाला प्रतिनिधित्व नहीं है। हम आज इस स्थिति में हैं कि हमारी माँ बहनें 7,000 में घर का पालन पोषण अपना परिवार चला रही हैं। आज स्थिति इतनी दयनीय है कि हमने कोरोना में काम किया, हमने स्वच्छता सर्वेक्षण में काम किया, नंबर 1-2 भोपाल इंदौर को बनाया, आज हम उनकी रीढ़ की हड्डी है सरकार की। सरकार ने हमारे लिए क्या किया, क्या दिया, हमारे हक अधिकार देने में उनको दिक्कत है। तो हमने आज हमारे संभाग जिला तहसील अध्यक्ष को बुला के पुनः उन 8-10 बिंदु जो हमें मंत्री जी ने बोले थे एक ज्ञापन के रूप में हमने पुनः एक आयुक्त महोदय को दिया है और कहा है कि इन पर विचार करें और इन पर करें। उन्होंने हमें कुछ बिंदु पढ़ के सुना है कि शासन ये करने जा रहा है, लेकिन वो बिंदु हमारे नहीं है। शासन हमें जो देने जा रहा है, हमारे बिंदु दूसरे हैं। हमने अभी उन्हें बताया कि जिस पे तो चर्चा हुई है उस पे तो कोई बिंदु ही नहीं है हमारा।
तो उन्होंने कहा हम इसको 7 दिन का समय देते हैं। हमने कहा समय मामे आप नहीं है हमारे पास, हम तो निर्णय कर चुके हैं, हम जहाँ से जाएंगे 23-24 को धरना आंदोलन और पत्रकार वार्ता हमारी सारी इकाइयाँ अपने जिले तहसीलों में संभाग में करेंगी और 25 से काम बंद करेंगी, ये हमारी घोषणा हो चुकी है आज। इसका असर के विधानसभा चुनाव में पड़ेगा, इसका असर विधानसभा के लिए भी सुन लें, कोई भी सरकार सब पार्टी के लोग आएंगे हमारी बस्ती मोहल्लों में, हम उनके मत अधिकार ही नहीं करेंगे, हम वोट ही नहीं देंगे, वोट का और चुनाव का बहिष्कार। कैंट सदर में अतिक्रमण कार्यों पर चला बुलडोजर, मुख्य मार्गों में लंबे समय से जमे अतिक्रमणों को हटाने आज 21 सितंबर को कैंट बोर्ड द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। सुबह 8 बजे से प्रारंभ हुई अतिक्रमण विरोधी अभियान दोपहर 12 बजे तक चला, इस दौरान स्थायी अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया गया, वहीं 36 से अधिक टपरों को जब्त कर लिया है। दरअसल सदर बाजार के मुख्य मार्गों में अतिक्रमण कर खोली गई दुकानों के कारण यातायात प्रभावित होता था, इस बात की शिकायत लगातार कैंट बोर्ड सीईओ तक पहुंच रही थी, लिहाजा आज कैंट बोर्ड सीईओ के निर्देश पर इंजीनियरिंग व राजस्व विभाग के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। सदर अशोक मार्ग में पेंटिनाका चौक से कार्रवाई प्रारंभ हुई। अतिक्रमण दल प्रभारी नितेश पटेरिया ने बताया कि आज सुबह होने वाली कार्रवाई के लिए गत रात्रि ही अमले को निर्देश दे दिया गया था। सुबह ठीक 8 बजे अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को शुरू कर दिया गया, अतिक्रमणकारियों को चेतावनी भी दी गई कि दोबारा कहीं भी सड़क पर दुकान न खोले। वहीं जबलपुर में देर रात एक भाजपा नेता को शहर में ही रहने वाले बदमाशों ने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश जहां मौके से फरार हो गए तो वहीं साथी उन्हें गंभीर रूप से घायल हो चुके भाजपा नेता को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। वारदात को अंजाम देने के बाद फरार बदमाशों की तलाश में आधारताल थाना पुलिस जुट गई है। आप देख रहे हैं महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटा न होने से नाराज ओबीसी संगठनों ने भोपाल एवं दिल्ली में आंदोलन के लिए तैयारी को लेकर दामोदर सिंह यादव प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग एवं योगेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष पार्टी कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश एवं ओबीसी फ्रंट मध्य प्रदेश द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गयी। बताएं जी, देखिए आप सब साथियों को पता है कि कल राज्यसभा में और उसके 2 दिन पहले लोकसभा के अंदर महिला आरक्षण बिल पास हुआ है। हमारी मांग थी कि महिला आरक्षण बिल के अंदर ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए, जिसको सरकार ने नजरअंदाज किया है। इस देश में रहने वाले 55% आबादी को नजरअंदाज करना सरकार को महंगा पड़ेगा, हम उसी के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हमारी मांग है कि चूंकि अभी भी कानून नहीं बना, दोनों सदनों से जरूर पास हो गया है, तो राष्ट्रपति महोदय इसको वापस करें और फिर से इस पर विचार हो और इसमें ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। इस मुद्दे पे इसी मांग को लेकर हमारे माननीय योगेश कुशवाहा जी बैठे हैं, जो ओबीसी फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुशवाहा समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आगामी 5 तारीख को हम भोपाल में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और 8 तारीख को हम इसी मुद्दे पर दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे और जितने भी लोग शामिल होंगे उसमें आधी महिलाओं की संख्या रहेगी, ये हमारा प्रयास है। देखिए ये बगैर महिलाओं के जो बिल पास हो गया है दोनों सदनों में, बगैर ओबीसी महिलाओं को, इसको लेकर देखिए कहीं ना कहीं सरकार की कथनी और करनी में अंतर समझ में आता है। एक तरफ तो सरकार महिलाओं को पंच सरपंच में आरक्षण देती है महिलाओं को, और वहीं लोकसभा विधानसभा राज्यसभा इन सभी प्रतिनिधित्व करने का मौका ओबीसी की महिलाओं को नहीं देना चाहती, तो इससे इनकी दोहरी राजनीति समझ में आती। इसी को लेकर हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से गुहार लगाएंगे और आज हमने माननीय राज्यपाल जी से भी मिलने का समय मांगा है और 5 तारीख को भोपाल में और 8 तारीख को दिल्ली में हमने बड़ा आंदोलन करने का प्लान बनाया है, जिसमें लाखों की लोगों संख्या में महिलाएँ उपस्थित होने की संभावना है। आज राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में महाविद्यालयीन स्वावित्तीय जनभागीदारी अतिथि विद्वान कल्याण संघ द्वारा लंबित मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश की बड़ी संख्या में अतिथि विद्वान शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री जी हमारी मांगे शीघ्र पूरी करें। वंदे मातरम्।
तपस्या को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपनी बात को हमारे समक्ष रखे। तो श्री तपस्या ठाकुर मैडम, मैं यजुवेंद्र धाकड़ शासकीय महाविद्यालय बड़नगर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कम से कम यहाँ पर 4 से 5 हजार शिक्षक हैं, जो कुछ नीलम पार्क में हैं, कुछ साथी जगह ना होने के कारण बाहर हैं। आप देख सकते हैं, आप अभी तक ये नहीं कंफर्म कर पा रहे कि अगर आप मांग नहीं मानते हैं तो आप उसका अगला निर्णय। हाँ, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि यदि सरकार ने हमारी मांग पूरी नहीं करी है, आपका प्रश्न था कि आचार संहिता लगने वाली है, आपका प्रश्न था आचार संहिता लगने वाली है, और यदि सरकार ने हमारी मांग पूरी नहीं करी तो हम सरकार से, पहली बात तो सरकार पूरी करेगी, और नहीं करती है तो हम फिर भी शांतिपूर्ण ढंग से सरकार से निवेदन करेंगे, और नहीं फिर भी मानती है तो आप जानते हो कि देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो बिल्कुल, और वोट हमारा स्वतंत्र है, और ये सरकार भी जानती है और सब लोग जानते हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी जिंदाबाद है, और हम लोग नमस्कार। मैं डॉक्टर विनोद खाकरे शासकीय कन्या महाविद्यालय धार से स्ववित्त जनभागीदारी अतिथि विद्वान हूं, और इस समय स्ववित्त जनभागीदारी अति विद्वान समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सभी को ये कहूँगा कि इस समय हम शासन द्वारा महापंचायत में, अतिथि विद्वान महापंचायत में जनभागीदारी और स्ववित्त अतिथि विद्वानों के साथ जो पक्षपात हुआ है उसके संबंध में ये धरना प्रदर्शन शासन के समक्ष हम कर रहे हैं, जिससे शासन तक हमारी मांगे सीधे तौर पर पहुँचे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लगता है कि विभाग ने जो बीच में जो लोग काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक हमारी बात नहीं पहुँच पा रही है, उच्च शिक्षा मंत्री तक भी हमने ज्ञापन दिया, हमने आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया, हमने हमारे प्राचार्यों को ज्ञापन दिया, लेकिन बावजूद इसके महापंचायत में हमारी कोई भी बात नहीं रखी गई, ना ही हमारे किसी ड्राफ्ट पर कोई डिस्कशन हुआ। इसीलिए मध्य प्रदेश के हर महाविद्यालय में संचालित जनभागीदारी और स्ववित्त अतिथि विद्वान हम आज इस मंच पर एकत्रित होकर एक स्वर में माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी ये बात कहते हैं कि जो मानदेय, जो नियम, जो व्यवस्थाएँ आपने उच्च शिक्षा में कार्यरत रिक्त पद के अतिथि विद्वानों के साथ रखी है, वही हमारे साथ भी लागू की जाए। हमारे नियम एक है, हमारे भर्ती के तरीके एक हैं, हमारे मानदंड एक हैं, हमारे विभाग एक हैं, हमारा राज्य भी एक है, और हमारा मुख्यमंत्री भी एक ही है। तो फिर एक ही विभाग में एक ही स्थान पर काम करने वाले दो समान योग्य और समान पद पर दो अलग अलग व्यवस्थाएँ क्यों? आगामी समय विधानसभा चुनाव भी है, आप सरकार अगर मांग नहीं मानती है तो क्या परिणाम क्या रहेगा? क्यों नहीं मांगेंगे? जब इसी विभाग में, उच्च शिक्षा विभाग में, जब रिक्त पद के अतिथि विद्वानों की मांग मानी गई, मैं बहुत खुश हूँ कि उनके साथ माननीय उच्च शिक्षा विभाग ने थोड़ा तो न्याय किया। अभी भी बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर एक तरफ आप जब 5वीं पास 8वीं पास व्यक्ति को परमानेंट नियुक्त कर रहे हैं, उनके साथ इतने मानवीयता दिखा रहे हैं, वहीं उच्च शिक्षा विभाग में जो कार्यरत अतिथि विद्वान है, चाहे वो किसी भी कैडर का हो, उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। अगर आपकी मांग नहीं होती है पूरी तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, मांग नहीं मानी जाती तो ये जनता बैठी है, जनता अपनी प्रतिक्रिया अपने हिसाब से देती है। पूरा दायित्व आपका ही बनता है, आप क्या निर्णय लेंगे? मुझसे पहले मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी का दायित्व बनता है कि वो आज हम तीन मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी बात सुनेंगे और पूरे समूह के मन तो उसका कारण जो मुख्यमंत्री तक हमारी जो बात है वो इस मंच से या सीधे नहीं पहुंच पा रही, कहीं ना कहीं बीच में जो माध्यम बने हुए लोग हैं वो हमारी बात ठीक से नहीं पहुंचने दे रहे हैं, इस वजह से आज हमको इस मंच पर आना पड़ा। मैं डॉक्टर विनोद खाकरे स्ववित्त जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब